हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के, और ये काफी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल अपडेट है। ये आया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि जो सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर के रीअपियर के बैचलर डिग्री के बीए बीएससी बीकॉम सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रीअपियर और सिक्स सेमेस्टर के जो रेगुलर के सेमेस्टर सिस्टम के एग्जाम थे उनकी डेट शीट जो है वो इशू की थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने। तो उसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कस किया था हमने, और वो उसमें बताया था कि जुलाई महीने में और अगस्त महीने में जो था वो एग्जाम होने वाले थे। अभी आज ही एक नोटिस आया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उस नोटिस में ये बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइंस आई, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और की गाइडलाइन आई, और इसके साथ ही उन सारे गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अपनी गाइडलाइंस इशू की, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए। तो उसमें उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला है कि जो हमने एक टेंटेटिव डेट शीट बीए बीएससी बीकॉम सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर रीअपियर और सिक्स्थ सेमेस्टर रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए निकाली थी टेंटेटिव डेट शीट, उसको हम विड्रॉ करते हैं। मतलब अब उस डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जाम नहीं होंगे। अब फर्दर विद द पासेज ऑफ टाइम नया सिचुएशन क्या होता है उसके हिसाब से एक नया डिसीजन लिया जाएगा, नई डेट शीट बनाई जाएगी, और वो डेट शीट जो है वो यूनिवर्सिटी की साइट पे डिस्प्ले की जाएगी। आज उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको वो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी आप शेयर करें इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर करें जितना आपके रीच में हो पाता है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट जरूर करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि हर एजुकेशन सेक्टर से आने वाला लेटेस्ट अपडेट जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, और मैं आपको बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, यह है वो नोटिफिकेशन जो 3 जुलाई 2020 को जारी किया है कंडक्ट ब्रांच ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने। इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया मोटा माटी। तो आप इसमें अब आपके सामने एक ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, एक ई नोटिफिकेशन, इसमें लिखा है इन कंटिन्यूएशन टू टेंटेटिव डेट शीट ऑफ बी ए बी एस सी बी कॉम सेकेंड फोर्थ रीअपियर एंड सिक्स्थ सेमेस्टर रेगुलर न्यू बैच इशूड ऑन डेटेड 16/6/2020 कि 16/6/2020 को जो हमने बी ए बी एस सी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर रीअपियर और सिक्स्थ सेमेस्टर रेगुलर नए बैच की जो डेट शीट हमने जारी की थी टेंटेटिव डेट शीट, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। इट इज हेयर बाय नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड दैट इन द व्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक द डेट शीट इशूड ऑन डेटेड 16/6/2020 आर हेयर बाय विड्रॉन। कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई और कोविड-19 पेंडेमिक के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जो टेंटेटिव डेट शीट हमने 16/6/2020 को जारी किया था उसको विड्रॉ करते हैं, ख़त्म करते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स आर लाइकली टू बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये जो एग्जामिनेशन है अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज के, ये होने थे जुलाई और जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में 2020 में। एंड द न्यू डेट शीट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट क्लासेस विल बी इशूड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे ही समय लगता है और अच्छी परिस्थितियां आती हैं तो उसके हिसाब से एक नई डेट शीट जो है वो बनाई जाएगी एंड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आया है आज ही और अभी थोड़ी देर पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो। लास्ट वीडियो में मैंने आपकी बहुत सारी क्वारीज रिजॉल्व की थी, और शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता लग जाए और जो उनके दिमाग में टेंशन बसी हुई है पढ़ने की वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए उससे। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं यहीं पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।